आपने एक छोटे व्यापार को शुरू किया और ये छोटे व्यापार या स्मॉल बिजनेस के लिए बिजनेस अकाउंटिंग कितना ज़रूरी है, स्मॉल बिजनेस अकाउंटिंग के कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, और आज हम जानेंगे स्मॉल बिजनेस अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करें और इसके द्वारा बिजनेस ग्रो होने में कैसे हेल्प होते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत वर्मा और आप जुड़े हैं प्रशांत स्टार्टअप के साथ। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बिजनेस अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सब बिजनेस के लिए, सो फोकस में रहिए। चलिए जानते हैं बिजनेस अकाउंटिंग क्या है। बिजनेस अकाउंटिंग एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके द्वारा आप अपने छोटे बिजनेस को प्रॉपरली एनालिसिस कर सकते हैं, और ये फाइनेंशियल एनालिसिस आपको हेल्प करता है एक सही बिजनेस स्टेप को लेने के लिए। कितना इनकम हुआ और कितना खर्च हुआ, ये दो मैटर आपको आपके बिजनेस प्रॉफिट और लॉस का क्लियर कैश फ्लो रिपोर्ट देगा। ऐसे बहुत सारे बिजनेस रिपोर्ट्स है जिसका प्रॉपर अकाउंटिंग ना करने से कुछ दिन बाद बिजनेस को मैनेज करने में मुश्किल हो गया और बिजनेस का लॉस हो गया। इसीलिए सब बिजनेस का पहले दिन से ही सही वे में हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। एक सहज और सही बिजनेस अकाउंटिंग डेली बेस पे, मंथली बेस पे, क्वार्टरली और लास्ट में ईयरली बेस पे ऑर्गेनाइज और मेंटेन होना चाहिए। अगर डेली बेस पे क्लीन रहेगा तो ही मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेस पे ऑर्गेनाइज रहेगा, और ये प्रैक्टिकल बिजनेस रिपोर्ट के द्वारा आप एक सही बिजनेस डिसीजन ले सकते हो। चलिए जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्मॉल बिजनेस रिपोर्ट पॉइंट्स क्या क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्मॉल बिजनेस रिपोर्ट पॉइंट्स, एक नंबर में बिजनेस कैपिटल और एसेट्स। आपका टोटल बिजनेस कैपिटल और एसेट्स क्या क्या है, एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल जैसे लिक्विड मनी, इन्वेस्टर्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, डेली ऑपरेशन एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट और अदर बिजनेस फंड्स एक्सेट्रा। दो नंबर में बिजनेस एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल स्टार्टिंग इनिशियल बिजनेस एक्सपेंसेस, डेली और मंथली टोटल बिजनेस एक्सपेंसेस जैसे रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्स जो आपने पे किए, रिसिप्ट। आपके सब बिल्स जो आपने पे किए वो डेली बेस पे ऑर्गेनाइज करें जिससे कभी भी मंथली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट मिल जाए आसानी से। तीन नंबर में लाइबिलिटीज, एक्स्ट्रा रिपोर्ट अगर कोई फिनेंशियल क्राइसिस, कोई लीगल ऑब्लिगेशन, बिजनेस इंश्योरेंसेस एक्सेट्रा। चार नंबर में अर्निंग, टोटल कैश फ्लो और बिजनेस ग्रोथ, डेली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली इनकम स्टेटमेंट। पांच नंबर में नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट मंथली कितना हुआ आपको क्लियर जानना जरूरी है। छह नंबर में कैपिटल डेप्रिसिएशंस, आपका बिजनेस कैपिटल मंथली डेप्रिसिएशन रिपोर्ट। इस चीज का क्लियर बिजनेस अकाउंटिंग रिपोर्ट आपको अगले बिजनेस डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा। चलिए जानते हैं कौन से ऐसे बिजनेस अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो स्मॉल बिजनेस के लिए यूजफुल है। एक नंबर में सबसे पहले और पुराना सिस्टम, मैनुअली लिखना और सब डॉक्यूमेंट्स और बिल्स को ऑर्गेनाइज रखना। दो नंबर में बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सबसे सिंपल है एक्सेल शीट और टेली सॉफ्टवेयर, आप इसका यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जानना है दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम ट्राई करेंगे कुछ चुनी हुई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिस्ट देने के लिए। तीन नंबर में हायर प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस अकाउंटेंट, आपके टाइम को सेव करने के लिए आप एक सही एक्सपीरियंस वाला और अफोर्डेबल बिजनेस अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं जो एक कंप्लीट बैलेंस शीट और एक सही सिस्टम मेंटेन करे, जो ये काम के लिए लाइबल हो और डिजिटल मेंटेन करें। एक कॉपी उनके पास और एक कॉपी आपके पास रहना चाहिए। एक क्लीन बैलेंस शीट
आपके बिजनेस रेपुटेशन और फ्यूचर में कोई भी बिजनेस लोन अप्लाई के लिए आपको चाहिए होगा। आप फ्रीलांसर से भी ये काम करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ फ्रीलांसर प्रोफेशनल का लिंक शेयर कर रहे हैं, आप चाहो तो हायर कर सकते हो। और हायर करने से पहले उनके साथ पूरा मैटर एक बार क्लियर डिस्कस कर लीजिए बेटर वर्क एक्सपीरियंस के लिए। चलिए जानते हैं स्मॉल बिजनेस एडवाइस में वॉरेन बफेट क्या बोले। अपने कस्टमर को सिर्फ पसंद करना या सेटिस्फाइड करना ही नहीं, अगर आप हमेशा अपने कस्टमर को सही वैल्यू देंगे और कस्टमर एक्सपीरियंस को डेवलप करने के लिए सोचेंगे तो कोई भी अपने बिजनेस ग्रोथ में फेल नहीं होंगे। चलिए जानते हैं मिकाएल ई पोर्टर प्रोफेसर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल छोटे व्यापार के एडवाइस में क्या बोले। आप एक पेपर में अपने कंप्लीट बिजनेस प्लान को लिखिए, क्लियर बिजनेस स्ट्रेटेजी, क्यों आप दूसरे से डिफरेंट हो, ऐसा क्या कस्टमर सर्विस और वैल्यू आप देते हो जो अपने कस्टमर के नीड को पूरी करे, जो बेटर है और कुछ स्पेशल है। रेडी स्टडी एंड गो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।